चौधरी शुगर मिल्स का टैंपर किया गया, अहम रिकॉर्ड रिकवर कर लिया गया। एफआईए ने रिकॉर्ड एसईसीपी के जब्त शुदा लैपटॉप से रिकवर किया। डेप्यूटी डायरेक्टर माहिन फातिमा और दीगर ने खुद टैंपरिंग की, दबाव नहीं डाला गया। चेयरमैन एसईसीपी का एफआईए को बयान, कल दोबारा तलब कर लिया गया। शरीफ खानदान को फ्लैट्स की मिल्कियत साबित करना होगी, ये फैसला मदुल अहलियान को करना है और इस बात का सबूत हमें देंगे या ट्रायल कोर्ट में। पैनामा केस में जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स, बोले मामला सादा सा था, बता देते ये जायदाद है और ये आमदनी के जराए तो सब खत्म हो जाता। सवाल आज फिर होगी। वज़ीर आज़म ने कभी लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत तस्लीम नहीं की, अगर असासे आमदन से ज्यादा थे तो बताना चाहिए था, पूछ गछ के बगैर रिपोर्ट यक तरफा है, वज़ीर आज़म के वकील के दलाई। कोचरावाला में 27 मोमर खवातीन को कातिल करने वाला डाकू मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम मदद के बहाने मोमर खवातीन को अपने साथ ले जाता और लूट कर कातिल कर देता। कोयटा की कांसी रोड पर नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, दो अफराद कलीमुल्ला और हयातुल्ला जाबहाग, एक जख्मी। मुसल्ला अफराद फायरिंग के बाद फरार हो गए। पंजाब पुलिस की वर्दी एक बार फिर तब्दील किए जाने का इम्कान, पुलिस को 2 से 3 माह में नई वर्दियां दी जाएंगी। वर्दी तब्दीली पर पंजाब असेंबली में करारदाद भी जमा। कराची के इलाके लियाकताबाद में गिरने वाली 3 मंजिला इमारत का मलबा उठाने का काम रोक दिया गया। इमदादी इदारों का कहना है कि मजीद किसी जिंदा शख्स या लाश के दबे होने का इम्कान नहीं। इमारत गिरने से जहां बहक अफराद की तादाद 5 हो गई, 7 जख्मी। पंजाब, अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। राबिता पुल और सड़क के तबाह, पानी घरों में दाखिल। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश को पेशगोई। तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, रेलवे ट्रैक अजरिया, पानी घरों में दाखिल। सैलाब में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए निकाला गया। आपदाएं बनावरस पर जहाजों की आमदोरफ्त पर आर्जी बंदिश। और फीफा के नायब सदर स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह एंजेल विलर को मैड्रिड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एंजेल विलर समेत दीगर ऑफिशियल्स पर करप्शन का इल्जाम है।